मध्य प्रदेश में बृहस्पतिवार को राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घुमा। कांग्रेस के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। चर्चा इससे पहले की शुरू हो पाती, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपना वक्तव्य पढ़ पाते, उसके पहले ही कांग्रेस के उपनेता राकेश चौधरी ने खड़े होकर इस अविश्वास प्रस्ताव के औचित्य पर सवाल खड़े किए और कहा कि कुछ इस बिंदु ऐसे हैं जिनको इस प्रस्ताव में जगह नहीं मिली और मैं इससे असहमत हूं। जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा, ट्वीट किया हुआ, आज सभी समाचार पत्रों में पढ़ा सुबह कि बच्चा बच्चा राम का और अयोध्या के का, यानी भगवान राम के लवकुश बच्चे थे, हमारे आराध्य देव भगवान राम है हिंदुओं के, हम सब उनके बच्चे हैं 80 करोड़। और अगर 80 करोड़ लोग किसी एक व्यक्ति की नजर में ऐसे जघन्य काम के लिए बने हैं तो मैं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लूंगा। कांग्रेस विधायक दल में जैसे ही बगावत हुई, जैसे ही दोफाड़ हुआ और बीजेपी ने उसको हाथों हाथ ले लिया, सदन में जमकर हंगामा किया और इस हंगामे के बाद बीजेपी सरकार के कहने पर विधानसभा के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी और फिर चौधरी राकेश सिंह को बीजेपी के ऑफिस ले जाया गया, जहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली और इसके बाद कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी से गद्दार कहके बाहर का रास्ता दिखा दिया। डिफीट नहीं हुआ है, डिस्कस ही नहीं होने दिया है। भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव से घबराकर उन्होंने यह षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर उन्होंने एक व्यक्ति को जो कि कांग्रेस ने जिसको सब कुछ दिया, मंत्री पद दिया, विधायक पद दिया और हर तरह से नवाजा, उस व्यक्ति ने धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनके साथ मिलकर ये धोखा किया है कांग्रेस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ जिसने उनको सब कुछ दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। बीजेपी को तात्कालिक रूप से जरूरी इससे फायदा हुआ हो, राघव जी पे जो चर्चा चल रही थी वो राकेश जी तक सिमट गई है, मगर बीजेपी को भी इस बात का नुकसान हुआ है कि एक जो चर्चा सदन में होनी थी वो चर्चा बीजेपी ने कांग्रेस को करने नहीं दी।